नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 4 दिन लगातार अलसी खाने के बाद के असर से आप चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको अलसी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको खाने के बाद आप कई सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। सच कहा जाए तो अलसी गुणों की खान है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग इसके गुणों से अनजान है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड उच्च मात्रा में पाया जाता है, तकरीबन 50% तक। आमतौर पर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड मांसाहारी चीजों में पाया जाता है, लेकिन अलसी के माध्यम से शाकाहारी लोग भी ओमेगा 3 फैटी एसिड को भी ग्रहण कर सकते हैं। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड अल्फा लिनोलिक रसायन के रूप में होता है, जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है और इसे भोजन के माध्यम से ही लेना पड़ता है। यदि आप नियमित रूप से इसका सेवन करेंगे तो आपको इसके सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा विटामिन B1, प्रोटीन, तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और सेलेनियम के साथ साथ फाइटोएस्ट्रोजन भी पाए जाते हैं। यदि आप खुद को रोगों से दूर करना चाहते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो अलसी को अपने आहार में जरूर शामिल करें। आपको प्रतिदिन कम से कम 2 चम्मच अलसी के बीजों का सेवन करना चाहिए। आइए जानते हैं अलसी खाने के बाद हमारे शरीर को क्या फायदे होते हैं। वजन कम करने में मददगार। अलसी खाने से शरीर पर अत्यधिक चर्बी जमा नहीं होती। ये लिग्नेन और ओमेगा 3 चर्बी को जमा होने से रोकती है और शरीर को चुस्त भी बनाती है। यदि आपका काम ऐसा है कि आप उठकर एक्सरसाइज करने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं हो पाता, तो ऐसे में आपको अलसी का सेवन करना अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। इससे आपको अपने वजन को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है। खाना खाने से लगभग 1 घंटे पहले 1 चम्मच अलसी अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं और ऊपर से 1 गिलास पानी पी लें। आधे घंटे बाद फिर 1 गिलास पानी पिए। इससे आपको अपना पेट बिल्कुल भरा हुआ महसूस होगा और आप खाना भी कम खाएंगे। पाचन शक्ति में सुधार। अलसी हमारे पाचन शक्ति को सुधारने में भी मदद करती है। अगर आप अक्सर कब्ज से परेशान रहते हैं और हाजमा खराब रहता हो तो आप रोजाना 1 चम्मच अलसी का सेवन खाने से पहले शुरू कर दें। ये प्रक्रिया आपके पाचन को सुधारने में काफी मददगार साबित होगी। लेकिन याद रखें कि अलसी खाने के दौरान पानी पीना ना भूलें, क्योंकि अगर आप अलसी खा रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहेगा। इसलिए आप जितना ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो कोशिश करें कि 4 से 5 गिलास पानी और बढ़ा दें। अस्थमा यानी कि दमा रोग में असरदार। अलसी में दमा रोग पर असर दिखाने वाले गुण मौजूद हैं। यदि आप दमा से पीड़ित हैं तो इसके लिए अलसी के बीज को पीसकर पानी में मिला दें और 10 घंटों के लिए छोड़ दें। इस पानी को नियमित रूप से दिन में 2 बार या 3 बार लेने से दमा ठीक हो जाता है। उसके साथ ही इस पानी से आपको खांसी में भी बहुत राहत मिलती है। महिलाओं के हार्मोन्स को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी। अलसी में पाए जाने वाले फाइटोएस्ट्रोजन के कारण ये महिलाओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। महिलाओं में रजोनी वृद्धि के समय होने वाले हार्मोन चेंजेस और उसके कारण होने वाली समस्याएं जैसे अत्यधिक गर्मी, बेचैनी, अनियमित रक्तस्राव, कमर दर्द, योनि का शुष्क होना और जोड़ों में दर्द में बहुत ही फायदा पहुंचाती है। त्वचा और बालों को स्वस्थ बनाए अलसी। यदि आप चाहते हैं कि आपके बाल और त्वचा चिकने और स्वस्थ हो तो रोज 1 से 2 चम्मच अलसी अपने रूटीन में शामिल कर लें, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा में कोलेजन प्रोडक्शन और नई सेल्स के बनने को बढ़ावा देते हैं, जिससे त्वचा पर उम्र के साथ साथ होने वाले बदलाव कम दिखाई देते हैं और आप हमेशा जवान दिखाई देते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है अलसी।
अलसी में मौजूद फाइबर चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को शरीर के द्वारा अवशोषित होने से रोकती है, जिससे ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करती है। इसके साथ ही अलसी के बीज हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी फायदेमंद है। डायबिटीज में असरदार, अलसी के बीज में सेलुलोज का एक रूप लिगनेन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो ब्लड शुगर को कम करने में काफी सहायक है। अगर आपको डायबिटीज है तो किसी भी तरह से अलसी की 25 ग्राम मात्रा को अपनी डाइट में शामिल कर लें। अगर आप चाहें तो इस मात्रा को कुछ भागों में बांट सकते हैं और फिर दिन में किसी भी तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। देखते ही देखते आपकी डायबिटीज की समस्या ठीक हो जाएगी। कैंसर की रोकथाम में उपयोगी, अलसी कैंसर को रोकने में काफी उपयोगी साबित होती है। शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स और गंदगी के कारण कैंसर होने का खतरा बना रहता है। फिर से यहाँ लिगनिन शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स, गंदगी और कोलेस्ट्रॉल को एक साथ करके मल के साथ बाहर निकाल देता है और आपको कैंसर से बचा कर रखने में मददगार साबित होता है। इसके सेवन से प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से भी बचा जा सकता है। जोड़ों के दर्द से राहत दिलाए अलसी, अलसी जोड़ों की हर तकलीफ पर असरदार है। इसे खाने से खून पतला हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में रक्त का प्रवाह सही ढंग से होता है और दर्द जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जोड़ों के दर्द के लिए अलसी के पाउडर को सरसों के तेल के साथ गर्म करें और ठंडा होने के बाद जोड़ों में लगा लें। इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इस पूरे प्रोसेस का असर आपको तकरीबन 4 से 5 दिन में देखने को मिल सकता है। ये छोटी से दिखने वाली अलसी अमृत के समान है। अगर आप भी निरोग जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आप भी अलसी का सेवन जरूर करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।